हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैंने 1 किलो कटहल ले लिया है और 1 किलो प्याज काट लिया है। जितना कटहल रहेगा उतना ही प्याज रहेगा। ये है हरी मिर्च, लाल मिर्च और 3 से 4 इंच अदरक, 2 लहसुन मैंने छील के रख लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, गरम मसाले मैंने ले लिया है, 2 चम्मच जीरा, 7-8 लौंग, मिर्च है लगभग आधा चम्मच, थोड़ा सा जायफर मैंने ले लिया है, 4-5 छोटी इलायची और 2-3 इंच दालचीनी। सबसे पहले इन मसालों को हम फ्राई कर लेंगे। 2 इंच लगभग जावित्री डालेंगे और 2 से 3 बड़ी इलायची भी डाल देंगे इसी में। इन सबको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मसाला ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल हम अपने सब्जी के हिसाब से डालेंगे, जितना हमारा सब्जी होगा उसी के हिसाब से हम तेल भी डालेंगे। इस सब्जी में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। एक बार आप हमारे तरीके से 2 प्याज़ा बना के खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जी। तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे कटहल। कटहल को लगभग हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के दोनों को साथ में फ्राई करेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे कटहल और प्याज को फ्राई करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 3-4 सूखी लाल मिर्च और 3-4 तेज़पत्ता। इस सब्जी में हम पानी नहीं डालते हैं, ये सब्जी बिना पानी के ही धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे ही पकेगा और थोड़ी थोड़ी देर में सब्जी को चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। फ्रेंड्स, इस सब्जी का नाम ही 2 प्याज़ा है। इस सब्जी में प्याज ज़्यादा पड़ता है। मसाला ठंडा हो गया है, अब हम इसको जार में डाल के दरबरा पीस लेंगे। ये देखिए, मसाला मैंने पीस दिया है और इसको हम एक बर्तन में पलट देंगे और अदरक मिर्चा लहसुन का भी हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में डाल के। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, पूड़ी या चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, सब्जी फ्राई हो गया है, लगभग लगभग कटहल भी गल गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी डालेंगे 2 चम्मच, और अब हम डालेंगे गरम मसाला जो पीस के रखा हुआ है हमने। अब डालेंगे अदरक मिर्चा लहसुन का पेस्ट। आपको तीखा कितना खाना है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे नमक। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इन सबको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। धीरे धीरे नीचे से चलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे से मसाले मिल गए हैं और अब हम सब्जी को लगभग 5 मिनट के लिए ढक देंगे।
लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं सब्जी कैसी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनके तैयार है। आप भी हमारा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मैं आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।